नमस्ते सस्काल केमचो कसकाय वडकम वेलकम बैक टू आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए क्योंकि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुँचते रहे। आपने हमारे चैनल पर आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है और आपको जॉब वैकेंसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में हमने अलग से कॉलम बनाई है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, टॉप कॉलेजेस, काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो आप देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हम हमारे चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी डालते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और देखते रहिए आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। से बात करके आईआईटी गांधीनगर एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर बीटेक एडमिशन फॉर ओलंपिक स्टूडेंट्स टू जुलाई 31। सारी इन्फॉर्मेशन देखिए डिटेल देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी गांधीनगर इज इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर बीटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमी ईयर 2023 फ्रॉम द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर ओलंपिक ट्रेनिंग कैंपस। द एप्लीकेशन डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू जुलाई 31, 2022। आईआईटी गांधीनगर ट्वीट रीड हियर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट सिलेक्टेड ओलंपिक ट्रेनिंग कैंपस टू अप्लाई फॉर द आईआईटी जीएनएस बीटेक प्रोग्राम्स। थिंक यू मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन? वरी नॉट, वी हैव द एक्सटेंडेड द डेट एंड यू कैन नाउ अप्लाई टिल जुलाई 31, 2022। Eligibility criteria, ठीक है, the eligibility requirement are the application must be class 11 or 12th or must have passed the class 12th in 2021. Selection is one of the following training campus is required: mathematics, international mathematics Olympic training campus organized by the Homi Bhabha Center of the Science and Education, chemistry and physics, orientation cum selection campus for a science subject oriented by the Homi Bhabha Center selection school education, informatics, international Olympiad of informatics training campus organized by the Indian Association of Research and Computing Science. The eligibility criteria for passing class 12th examination specified with the JOSA for the admission into the IITs will be also applicable. Okay, so subscribe to the channel, thank you for watching this video.